अनुपमा एक्ट्रेस रूपाली गंगोली विवादों में घिर गई हैं। उन्हें और उनके मैनेजर को बिना हेलमेट के बाइक चलाते हुए देखा गया। एक्ट्रेस शनिवार रात एक अवार्ड शो से निकल रही थी। ट्रैफिक से बचने के लिए रूपाली ने स्कूटर पर बैठकर निकलने का सोचा। भारी कपड़े पहने हुए एक्ट्रेस ने दोपहिया वाहन पर बैठने में संकोच नहीं किया। इसे जलाने वाले शख्स की पहचान कौशल जोशी के रूप में हुई है, जो शहनाज गिल के मैनेजर बताए जा रहे हैं। जहां उनकी सादगी के लिए उनकी सराहना की गई, वहीं कई लोगों ने देखा कि ना तो उन्होंने और ना ही बाइक चला रहे आदमी ने हेलमेट पहना था। लोगों ने इस पर अपना अपना गुस्सा जाहिर किया। एक यूजर ने लिखा, हेलमेट कहाँ है, ड्राइवर को जेल भेजें। एक और यूजर ने लिखा, विदाउट हेलमेट एंड दे बिकम बीजेपी मेंबर। एक और यूजर ने लिखा, नो हेलमेट। एक और यूजर ने लिखा, मेरा तो चलान कट जाता। एक और यूजर ने लिखा, सेलिब्रिटी को हेलमेट की जरूरत नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, इनके हेलमेट कहाँ हैं, लग रहा है पुलिस वाला अनुपमा का रीसेंट एपिसोड देख रहा है। आपको बता दें, रूपाली शनिवार रात स्टार परिवार अवार्ड्स 2024 में शामिल हुई थी। उन्होंने बेस्ट पत्नी का अवार्ड जीता, साथ ही उन्होंने बेस्ट बहू का भी पुरस्कार भी अपने नाम किया। कथित तौर पर उन्हें बेस्ट माँ की ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर विदाउट हेलमेट रूपाली गंगोली का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग अनुपमा को काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट्स में बताया गया कि अनुज का किरदार निभाने वाले गौरव खन्ना और रूपाली गंगोली भी शो छोड़ रहे हैं। हालांकि अनुपमा के मेकर्स राजन शाही ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया है। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।